अब इन पकोड़ों की मैं प्लेटिंग कर दूंगी। टमाटर की सॉस के साथ सर्व कर रही हूँ, आप अपनी मनपसंद चटनी सॉस के साथ इसका मजा ले सकते हैं। ये पकोड़े देखने में जितने सुंदर लग रहे हैं, खाने में भी उतने टेस्टी और क्रिस्पी और चटपटे हैं ये। नमस्ते, मैं सुमनता दीक्षित, आज मैं अपनी किचन में बची हुई दाल से पकोड़ों की रेसिपी शेयर करूंगी। चलिए देखते हैं कैसे बनाना है इसको। 1 कप छिलके वाली मूंग और मसूर की दाल है जो बची हुई है, 2-3 चम्मच हरा धनिया कटा हुआ, 1 बड़ा प्याज कटा हुआ, 3-4 हरी मिर्च है, हरी मिर्च लाल हो गई है इसको भी ले लिया मैंने। अब इस दाल को एक मिक्सिंग बाउल में निकालेंगे और अब इसमें 1 कप बेसन डालेंगे, कटा हुआ प्याज डाल देंगे, हरा धनिया डाल देंगे, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, 1-2 पिंच इसमें अजवाइन डाल देंगे, आधा छोटा चम्मच इसमें हल्दी डाल देंगे, स्वादानुसार नमक डाल देंगे। ये सब मसाले दाल को ध्यान में रखते हुए डालने हैं, दाल में भी मसाले डले हुए हैं। और अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, 2 बड़े चम्मच चावल का आटा डाल देंगे। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, दाल के अंदर जितना पानी होगा उसके हिसाब से इसमें चावल का आटा और बेसन डलेगा, चावल का आटा ऑप्शनल है। ये मिक्सचर इस तरह से बन के तैयार हुआ है। गैस के ऊपर कढ़ाई में सरसों का तेल गरम करने के लिए रखा हुआ है और ये गरम हो चुका है। इसमें ये थोड़ा थोड़ा मिक्सचर डालते जाएंगे, स्पून की हेल्प से भी डाल सकते हैं, एक बारी में जितने आ जाएंगे उतने डालेंगे। अब इनको उलट पलट करके फ्राई कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो इसे सब्सक्राइब कर देना, बेल को प्रेस कर देना, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर देना, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ये रेसिपी आपको कैसी लगी। फ्राई हो चुके हैं तो अब इनको प्लेट में निकालेंगे, इसमें और डाल देंगे। मिर्चों को बीच में से काट के डालना है, इनको भी ऐसे उलट पलट करके फ्राई कर लेंगे। इसी तरह से सारे बना लेंगे। सारे पकोड़े फ्राई हो चुके हैं, इनको भी प्लेट में निकालेंगे। बची हुई दाल के टेस्टी चटपटे पकोड़े बनकर तैयार हैं। चलिए मिलते हैं अब एक अच्छी सी नई रेसिपी के साथ। बाय।